क्या आप भी कोई शांत जगह में कुछ समय बिताना चाहते हैं, जहां आपको चारों तरफ हरियाली मिले, जहां हरे भरे खूबसूरत हिल्स का मजा भी मिले, जहां की शांति और खूबसूरत वादियों में खो जाने का मन करे, और जहां आप ट्रैकिंग करके उस शिखर तक पहुंच सके जहां से प्राकृतिक सौंदर्य में आपको खो जाने का मन करे। शहर के शोर शराबों से दूर कुछ समय आप ऐसे ही हिल स्टेशन में बिताने का सोच रहे हैं तो आप आ जाइए लैंसडाउन। वैसे तो उत्तराखंड में बहुत से हिल स्टेशन हैं, लेकिन लैंसडाउन एक ऐसा हिल स्टेशन है जो शहर से काफी दूर बसा हुआ एक शांत हिल स्टेशन में से एक है। देवदार और चिर के पेड़ों से घिरा पौरी गलवार डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ ये प्यारा सा हिल स्टेशन, जहाँ आप सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से ही नहीं देश की सुरक्षा में लगे गढ़वाल रेंज के इतिहास और शक्ति से भी रूबरू होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू वीडियो में, जहां मैं आपको शांति भरे हिल स्टेशन लैंसडाउन की सारी डिटेल देने वाला हूं। यहां जाने का सही समय, यहां कहां रुकें, यहां आप कहां कहां घूम सकते हैं, कितने समय में आप पूरा लैंसडाउन घूम सकते हैं, और यहां घूमने का सबसे सस्ता बजट क्या रहेगा, ये सारी डिटेल यहाँ वीडियो में मिलेगी। तो मेरे साथ आखिर तक वीडियो में बने रहें। लैंसडाउन उत्तराखंड के पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और आप बाय ट्रेन, बस या बाय एयर भी यहां तक पहुंच सकते हैं। बाय एयर, सबसे नजदीक का एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो लैंसडाउन से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। वहां से आप टैक्सी या बस ले सकते हैं जो आपको लैंसडाउन तक पहुंचा देगी। बाय ट्रेन, सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन कोटद्वार है। यहां तक के लिए आपको दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार और कई अन्य शहरों से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। कोटद्वार से लैंसडाउन अप्रॉक्स 40 किलोमीटर दूर है। कोटद्वार से आप टैक्सी या लोकल बस लेकर लैंसडाउन आ सकते हैं। बाय बस, लैंसडाउन बाय रोड के थ्रू भी इजीली एक्सेसिबल है। आप दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और बाकी अन्य शहरों से बाय बस करके कोटद्वार तक पहुंच सकते हैं, और कोटद्वार से आप बाय बस या टैक्सी से लैंसडाउन तक पहुंच सकते हैं। बात करें यहां पर स्टे की, तो यहां आपको लग्जरी होटल से बजट होटल आराम से मिल जाएगा। यहां रूम का रेंट 500 से स्टार्ट हो जाता है। लैंसडाउन में घूमने की सारी जगह आसपास है, तो अगर आप एक या दो लोग हैं तो आप आराम से स्कूटी रेंट करके घूम सकते हैं, या फिर आप वहां के पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ई रिक्शा या ऑटो का प्रयोग भी कर सकते हैं। लैंसडाउन में फर्स्ट डे की शुरुआत आप यहां के फेमस कालेश्वर महादेव मंदिर से कर सकते हैं। कालेश्वर महादेव मंदिर लैंसडाउन का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर लैंसडाउन मेन मार्केट से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। माना जाता है कि 5000 साल पूर्व इस स्थान पर एक गुफा हुआ करती थी, जहां कालू नामक ऋषि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होके भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और शिवलिंग के रूप में भगवान वहां विराजमान हो गए। इस वजह से इस मंदिर का नाम कालेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये मंदिर सिर्फ लैंसडाउन ही नहीं, उत्तराखंड का भी एक महत्वपूर्ण मंदिर है। मंदिर के आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही शांत और पीसफुल है, जो ध्यान और प्रार्थना के लिए परफेक्ट है। थोड़ी ऊंचाई पर बसे होने के कारण यहां से आपको आसपास के बहुत सुंदर व्यू देखने को मिलते हैं। सेंट जॉन चर्च एक हिस्टोरिकल चर्च है, जो ब्रिटिश एरा से जुड़ा हुआ है। ये चर्च 1936 में बनाया गया था, और इसका आर्किटेक्चर काफी सुंदर है, जो गोथिक स्टाइल में है। ये चर्च लैंसडाउन के बीच में सिचुएटेड है, जो इसे एक पीसफुल और सीनिक स्पॉट बनाता है। चर्च के आसपास लश ग्रीनरी और शांत एनवायरनमेंट है, जो यहाँ आने वाले विजिटर्स को काफी आकर्षित करता है। सेंट मैरी चर्च लैंसडाउन का एक और हिस्टोरिकल चर्च है, जो ब्रिटिश एरा से जुड़ा हुआ है।
चर्च 1896 में बना था, लेकिन इसको 1947 में बंद कर दिया गया। लेकिन गरवाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर द्वारा इसे दोबारा ओपन कर दिया गया और अब यह चर्च एक म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया है। ये कॉलोनियल एरा में बना हुआ बहुत ही सुंदर चर्च है, जिसके आसपास का वातावरण बहुत ही पीसफुल है। टिप एंड टॉप, जिसे टिफिन टॉप भी कहा जाता है, लैंसडाउन का एक पॉपुलर सनसेट पॉइंट है। यहाँ से सनसेट के बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। हरे भरे पहाड़ों की श्रृंखला के बीच डूबता हुआ सूर्य देख के मानो स्वर्ग जैसा महसूस होता है। टिप एंड टॉप लैंसडाउन मेन मार्केट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। यहाँ से आपको सराउंडिंग हिल्स, डर्शकिन वैलीज और खूबसूरत लैंडस्केप्स का ब्रेथ टेकिंग व्यूज मिलेगा। यहाँ से आपको शिवालिक रेंजेस के बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये स्पॉट खास तौर पर सनराइज और सनसेट देखने के लिए मशहूर है। संतोषी माता मंदिर लैंसडाउन का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो माँ संतोषी को समर्पित है। मंदिर टिप एंड टॉप से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। ये मंदिर अपने स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस और शांत एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है। मंदिर परिसर तक पहुंचने के लिए कुछ 100 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ती है। मंदिर बहुत ऊंचाई पर स्थित है, तो यहाँ से आपको गढ़वाल रेंज और हिमालयन रेंज के बहुत प्यारे नज़ारे देखने को मिलते हैं। अगर आप लैंसडाउन आए हैं तो इस प्लेस को विजिट करना ना भूलें। सेकेंड डे आप लोग अपने टूर की शुरुआत भुल्ला ताल से कर सकते हैं। भुल्ला ताल लैंसडाउन का एक छोटा और खूबसूरत लेक है, जो नेचर लवर्स और फैमिलीज के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। भुल्ला ताल लैंसडाउन के बीच में सिचुएटेड है। लेक पर आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं, जो यहाँ का एक मेजर अट्रैक्शन है। ये एक्टिविटी किड्स और एडल्ट दोनों के लिए इंजॉयबल है। भुल्ला ताल के आसपास ग्रीनरी और हिल्स हैं, जो इस जगह को और भी खूबसूरत बनाते हैं। ये स्पॉट रिलैक्सेशन और पिकनिक के लिए आइडियल है। भुल्ला ताल का नाम एक लोकल हीरो भुल्ला सिंह के नाम पर रखा गया है और यहाँ एक स्मॉल मेमोरियल भी है, जो उनकी याद में बनाई गई है। लैंसडाउन में दो म्यूजियम हैं, जहाँ आप विजिट कर सकते हैं, जिसमें से पहला आता है गढ़वाली म्यूजियम। ये म्यूजियम गढ़वाल रीजन की कल्चर, हिस्ट्री और ट्रेडिशंस को दिखाता है। इसमें लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, आर्टीक्राफ्ट्स और हिस्टोरिकल आइटम्स हैं, जो रीजन की रिच हेरिटेज को रिप्रेजेंट करते हैं। दरवान सिंह रेजिमेंटल म्यूजियम। ये म्यूजियम इंडियन आर्मी की हिस्ट्री और कॉन्ट्रीब्यूशंस को शोकेस करता है। इसमें आप लोगों को आर्मी यूनिफॉर्म्स, वेपन और हिस्टोरिकल फोटोग्राफ्स देखने को मिल जाएंगी। भीम पकौड़ा लैंसडाउन का एक प्राचीन रॉक फॉर्मेशन है, जो अपनी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए जाना जाता है। ये जगह लोकल लेजेंड्स और मैथोलॉजी से जुड़ी हुई है। भीम पकौड़ा का नाम महाभारत के भीम से जुड़ा हुआ है। कहानियों के अनुसार ये रॉक फॉर्मेशन तब बना जब भीम ने इस पत्थर को अपनी शक्ति से उठाकर रखा था। इस जगह पर एक बड़ा रॉक है, जो एक छोटे से रॉक पर बैलेंस है, जो देखने में काफी आकर्षित लगता है। लोग इसे कैसे संभाल कर रखा गया है, इस पर हैरानी व्यक्त करते हैं। भीम पकौड़ा के आसपास का एरिया लश ग्रीनरी और खूबसूरत हिल से घिरा हुआ है, जो यहाँ आने वाले विजिटर्स को नेचर का मजा लेने का मौका देता है। लैंसडाउन मार्केट, जिसे लोकल बाजार भी कहा जाता है, यहाँ के लोकल कल्चर और लाइफस्टाइल का एक अच्छा हिस्सा है। यहाँ पर आपको लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, वूलन क्लोथ्स और ट्रेडिशनल आइटम्स मिलते हैं। मार्केट में कई सारे फूड स्टॉल्स हैं, जहाँ आप लोकल स्नैक्स और डेलिकेसीज का मजा ले सकते हैं।
तो दोस्तों, दो दिन के टूर में आप आराम से इन सभी जगहों को घूम सकते हैं। फर्स्ट डे आप अगर सुबह सुबह यहाँ पहुँच जाते हैं तो आप सबसे पहले कालेश्वर महादेव मंदिर, सेंट मैरी चर्च, सेंट जॉन चर्च और इवनिंग में टिपन टॉप और संतोषी माता मंदिर घूम सकते हैं। सेकेंड डे आप सुबह सुबह निकल जाइए हुल्ला ताल, फिर आप चाहें तो दोनों म्यूजियम घूम के भीम पकौड़ा और शाम को आप लोकल मार्केट में शॉपिंग और स्ट्रीट फूड का लुफ्त उठा सकते हैं। इन दो दिन के टूर के लिए आपका बजट इतना आएगा। ट्रांसपोर्ट का खर्चा 3,000, होटल का 2,000, खाने पीने का माने तो 1,000 और बाकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस 500 तक, जो कि आपका टोटल बजट बैठेगा 6,500 तक का। तो दोस्तों, लेंस जॉन की ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई सवाल आपके मन में हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।